हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइज, आपका क्वेश्चन था कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये टॉपिक गाइज आपकी ही डिमांड पे है। ये टॉपिक है कि लीवर टॉनिक्स के बारे में, कि हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से लीवर टॉनिक है जिनका हम यूज़ करें अपने डॉग के लिए, उनकी भूख को बढ़ाने के लिए हम कौन से बेस्ट से बेस्ट लीवर टॉनिक हम उसके अंदर यूज़ करें। तो देखिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, आप देखिए अच्छे से। देखिए गाइज, लीवर टॉनिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि भूख को बढ़ा रहे हैं हम, जो लीवर के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो लीवर के ऊपर काम करेंगे, ताकि जो सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, जो सेल्स वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं लीवर से, जितने भी ग्लैंड्स हैं वहाँ से, देन उनको इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लीवर टॉनिक का यूज़ किया जाता है। देखिए गाइस, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लीवर टॉनिक यूज़ करें अपने डॉग के लिए, अपने पेट के लिए। देखिए गाइस, लीवर टॉनिक का मतलब क्या होता है, आपको स्क्रीन पे उसकी नॉर्मल डेफिनेशन दिख रही होगी कि लीवर टॉनिक कंटेंस 6 ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉनिक हर्ब यूज्ड इन चाइनीज टॉनिक हर्बलिज्म। All of the herbs are considered to be completely safe and non-toxic. Non-toxic होते हैं ये। These herbs support the body natural ability to regulate the liver function while supporting the tissue of the liver. तो गाइज, ये है इसकी कुछ डेफिनेशन। डेफिनेशन से तो इतना कुछ मेनली समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मेन चीज़ हमें देखना है कि लीवर टॉनिक क्या काम करता है, थ्रस्ट भूख को बढ़ाता है, यानी भूख को इंक्रीज़ करने में जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है वो है हमारा, एक टाइम पे डॉग की भूख को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रोडक्ट। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमें किस कंडीशन के अंदर अपने डॉग को लीवर टॉनिक देना चाहिए। देखिए गाइस, अगर आपका डॉग स्ट्रेस की कंडीशन में है, मीन्स स्ट्रेस यानी अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज कर रहा है, यानी एक्सरसाइज में रनिंग आ गया, या डिवॉर्मिंग प्रोसेस चल रही है उसकी, या उसे फीवर हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो देन ये कुछ अगर सिम्टम शो हो रहे हैं, देन आपके डॉग को लीवर टॉनिक की ज़रूरत है। लीवर टॉनिक आपको किस विधि से देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। तो देखिए गाइस, जब हम अगर आपका डॉग अच्छी कंडीशन में है, यानी हेल्दी है, मसल्स वेल डेवलप हो रही है, वेल ग्रो कर रही है, देन आपको लीवर टॉनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में लीवर टॉनिक दोगे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है आपके डॉग की बॉडी के अंदर, इसलिए आपको पहले चेक कर लेना है कि हाँ, मेरे डॉग को भूख नहीं लग रही है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस, बेस्ट लीवर टॉनिक है, आपको स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो दिखेगी। पहला है लीवर 52, आपको पता ही है हिमालय कंपनी है, उन्होंने बनाया है ये लीवर 52, बहुत अच्छा है। वैसे तो सभी डॉग्स के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। दूसरा है हिपामस्ट, ये भी बेस्ट प्रोडक्ट है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब है लिवोटास इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लीवर 52 ना मिले तो आप लिवोटास का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है लिवोफेरोल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके अंदर मल्टी विटामिन्स भी एडिड है, कैल्शियम भी एडिड है, जो आपके डॉग की बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। अब है लिवर कोलिन पेट सिरिप जाइडस AH लिखा हुआ, यानी जाइडस कंपनी है, ठीक है, जाइडस कंपनी ने इसको बनाया है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास है, ठीक है, लिवरोलिन है, पेट सिरप जाइडस AH लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। इसकी कंपोजिशन भी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, इसमें लिखा हुआ है हेपेटो प्रोटेक्टिव, हिपेटो मीनिंग्स लीवर से, लीवर स्टिमुलेंट एंड एपेटाइट स्टिमुलेंट सिरप। एपेटाइट का मतलब होता है भूख को बढ़ा देने वाला, ये बेस्ट लीवर टॉनिक है जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें, प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, 100 से बिलो ही मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी सिटी के अंदर थोड़ा बहुत 10-20 रुपये का इतना डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज इतना लंबा डिफरेंस नहीं होगा। तो गाइज, होप सो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय।